भाकियू नेता अनिल नालदर उर्फ बल्लू प्रधान पर लगाया नेताओं के हाथों बिकने का आरोप। महिला किसान के पिंक धरने का बवाल आया सामने। रोहतक में खेड़ी सात चौक पर महिला किसान के द्वारा पिंक धरना लगाया गया था और उस धरने में विधायक बलराज कुंडू ने अपनी वाही वाही पाने के लिए महिलाओं को टेंट लगवाने का सहयोग दिया और वहाँ पर टेंट लगवाया, लेकिन वो पगड़ी बनवाने के चक्कर में शोषण करते नजर आए। धरने पर बैठी धरना प्रमुख गीता ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब से हमने धरना रखा है उसके एक हफ्ते के बाद ही हमको धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी और उसके बाद महम विधायक बलराज कुंडू ने धरने पर पहुंचकर वोट बैंक बनाने की कोशिश की, लेकिन धरने के बीच में वोट बैंक बनाने को सभी किसान व महिला किसान नाराज थे। उसी समय बलराज कुंडू के तेवर बदल गए और टेंट वाले को फोन करके धरने का टेंट उखाड़ दिया। इसके बाद गीता ने बताया कि इस धरने पर सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अनिल नादर उर्फ बल्लू प्रधान आए और बहन गीता करते रहे और सबसे पहला समर्थन उसी ने दिया। गीता प्रमुख ने बताया कि अब बल्लू प्रधान बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। जिस समय किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और उनको फोन किया तो बल्लू प्रधान बोले कि मेरी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जब पता चला तो उस समय वह बाबा बालकनाथ की गोद में बैठे नजर आए। इन सभी बातों को देखते हुए वह कभी भी किसान समर्थक नहीं हो सकते और अब वह बीजेपी के हाथों बिक गए हैं। गीता ने बल्लू प्रधान को कहा कि बल्लू प्रधान इतनी जल्दी बिकने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हारे ऊपर किसी नेता का कोई दबाव बन गया है? बिल्कुल, यहाँ पर जो ये एक बहुत बड़ी राजनीति चली है। हाँ जी, क्या मुख्य? देखो, शुरुआत से ही ऐसा हो रहा है। वैसे तो जैसे हमने 26 मई को स्टार्ट किया था ये धरना और उसके दो दिन बाद धमकियाँ भी मिली थी, बाय फेस भी धमकियाँ मिली थी, कॉल पे भी धमकियाँ मिली थी। उसके बाद एक सप्ताह के बाद जैसे विधायक जी आए, उन्होंने जो अपना कुछ वोट बैंक ढूंढना चाहा यहाँ पे कि शायद यहाँ से भी जो है कलानूर हल्का या रोहतक से भी एक एक सीट निकल आए, तो शायद उनकी यही मंशा रही होगी। तभी उन्होंने जो है ऐसा इतना पैसा लगाया था, लेकिन उनको कुछ समय के बाद यहाँ कुछ ऐसा ना लगा तो उनके तेवर चेंज हो गए थे। तेवर चेंज हो गए तो उन्होंने फिर जो इंटेंट वाले को कॉल कर दिया, फिर हमारे को कर दिया, तो फिर कुछ मतलब ऊंची आवाज़ में भी ऐसा बोल जानना चाहती। क्या ऐसा मुख्य कारण रहा कि जो आप लोगों के बीच में एक तनाफनी का माहौल बना और इसको उठाया? हाँ, वही तो बता रहे हैं ना कि अपने जो है ना कोई एक सीट निकालना चाहते होंगे कलानौर हल्के से या रोहतक से, ये रहा है वो उनको यहाँ नज़र नहीं आया। कुछ समय के बाद जैसे 10-15 दिन के बाद उन्होंने देखा है, क्योंकि अच्छी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ बैठने लगे थे, अच्छा हमारा धरना भी चल रहा था, लेकिन उनको कहीं जो है ना फ़ोटो नहीं लगी थी, उनको यहाँ इनवाइट नहीं किया गया था कि यहाँ आपका फ़ोटो लगाएं, आपको ये दिखाएं कि ये बलराज कुंडू ने ये कर दिया। जैसे वहाँ बॉर्डर पर जो रसोई चली थी वहाँ अच्छा बड़ा सारा बैनर लगा था, तो हमने ऐसा किसी का कोई फ़ोटो नहीं लगाया था, क्योंकि किसानों के बीच में आए हैं तो किसान मसीहा बन के आए होंगे ना। जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई पगड़ी का तो की ठेस को तो बात नहीं पहुँची है कि भाई हमें अगर यहाँ पर आए तो पगड़ी पहनाई जाए, हमारा स्वागत किया जाए, कोई इस तरीके का तो कोई जो है सिस्टम नहीं रहा आप लोगों के बीच में? देखो, शायद कुछ ऐसी मंशा रही होगी कि वही बता रहे थे कि हमारा कोई बड़ा सा बैनर लगे या हमारा एक अच्छा सा स्वागत किया जाए, कुछ ऐसा ही लगा होगा और वो उनको नज़र नहीं आया होगा। नज़र नहीं आया तो फिर सीधी सी बात है कि यहाँ सीट भी नज़र नहीं आई होगी उनके, फिर तेवर चेंज हो गए तो उन्होंने अपना जो है ना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस उठाना चाहे कि हम हटा लेते हैं। और कुछ ये मनसा रही होगी कि देखते हैं ये जो है ना महिलाएँ कब तक बैठे या ना बैठे, धरने को ख़त्म करे, कितनी सहन सकती हैं, कितना ये संघर्ष कर सकती हैं, कुछ ऐसी भी मनसा रही होगी उनकी। लेकिन एक बात बता देते हैं विधायक जी को या कोई नेता को कि ये जो है ना धरने किसी विधायक के थ्रू या नेताओं के थ्रू नहीं चलते, ये जन आंदोलन है और प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के संघर्ष से चल रहा है, इसको ना कोई हटाने वाला है। जब तक ये कृषि कानून काले कानून रद्द नहीं हो जाएंगे तब तक इनको कोई भी हटाने वाला नहीं है। शुरुआती दौर में इतने किसान यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर बीच में बैठ कर जय जयकारा, तो जब धरने उठे तो वो किसान कहाँ? देखो, किसानों का आना जाना तो लगा ही रहता है, उसके बाद शायद और भी ज़्यादा आए होंगे, पहले कुछ कम आए होंगे लेकिन उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि संख्या कम हुई है। बहुत अच्छा जो है ना आशीर्वाद और प्यार दिया है मेरे किसान भाइयों ने बहनों ने, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। जी उसके उस हाँ हाँ उसके बारे में उसने बाद में जाकर बलराज कुंडू के पास जाकर आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस का धरना है ये जी जी के बारे में ऐसा सब जी जी आपके खिलाफ
जी जी, मैं बल्लू प्रधान के बारे में बता देना चाहती हूँ कि शायद तीसरे चौथे दिन ही बहन गीता करके सबसे पहले समर्थन उन्होंने दिया था, और उसके बाद शायद वही जो है ना बीजेपी के जो गोदी में बैठे होंगे तभी हमारे को बीजेपी या कांग्रेस ही बता रहे हैं। दूसरा बता देते हूँ, रोहतक में जिस टाइम लाठीचार्ज हुआ था उस टाइम बल्लू प्रधान क्या कह रहे थे और कहाँ बैठे थे? बालकनाथ की गोदी में बैठे थे और हमारे को कह रहे थे कि मैं अरेस्ट कर लिया हूँ। मैंने उसको 20 बार कॉल भी किया था, एक बार कॉल उठा के उसके बाद उसने कॉल नहीं उठाया कि भाई यहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष लेके आ जाओ, लेकिन उसके बाद उसने कॉल नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वो तो बाबा बालकनाथ के गोदी में बैठे थे ना, वो है ना बीजेपी वाले, तो वो हैं। और अगर हम बीजेपी वाले हैं तो सबसे पहले वही आए थे समर्थन देने, भाई अनिल बल्लू प्रधान सबसे पहले वही आए थे, तो शायद वो भी होंगे, कांग्रेसी हों या बीजेपी हों। अगर ऐसा लगता तो क्यों आए थे फिर सबसे पहले वो हमें समर्थन देने के लिए? और उसके बाद डीसी ऑफिस के सामने मंडी लग रही थी तब भी हम वहाँ गए थे, तो ऐसा था तो फिर हम वहाँ क्यों इकट्ठे थे? तो मेरे हिसाब से नहीं है, शायद बिक गए होंगे या कोई दबिश आ गई होगी, विधायक जी की कोई दबिश आ गई होगी या बिक गए हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई बल्लू प्रधान इतना जल्दी नहीं बिकना चाहिए, जमीर जिंदा रखने चाहिए। ये राजनीति, ये पार्टियाँ आनी जानी चीज़ हैं, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल टिक जाएंगी, उसके बाद फिर पार्टी चेंज होगी। और ये अपना भाईचारा तो यूँ ही बना रहेगा, ये बहन भाइयों का प्यार यूँ ही बना रहेगा, तो यही कहेंगे कि जमीर जिंदा रखो। कल सुनाई ऐसा है कि यहाँ पर जो है कल या एक दो दिन के अंदर अंदर यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु किसानों को बुलाया? हाँ, एक दो दिन के अंदर हम एक बड़ी सभा करने वाले हैं जी, अभी हमें टाइम फिक्स नहीं किया है, अभी बातचीत करके और फिर करते हैं, एक या दो दिन में बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ दूर दराज से और संयुक्त किसान मोर्चे से भी बहुत सारी संख्याओं में नेता हैं। ये जो प्रकरण हुआ है और जिसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने जो है न्यूज़ की हैं, इसको कवरेज दी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको इस तरह से ना लें कि रोहतक के अंदर किसान जो है वो दो फाड़ हो गए हैं, या किसी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से या कोई सहारा देकर वापस लेने की वजह से आंदोलन के अंदर कोई फ्रैक्शन आ गया है। आपने अभी नाम लेके बल्लू प्रधान का जो है बात कही, मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी अपने साथियों को भी कहना चाहता हूँ, और वो मैं विधायक जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ और बल्लू प्रधान और ऐसे और लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूँ, गीता जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ, कि ये हमारे घर की लड़ाई है। घर की लड़ाई का मतलब है ये इस तरह है कि घर में हम दो भाई हैं तो किसी एक मुद्दे पे हमारे विचार अलग अलग हो जाते हैं, हम दिन में लाठी उठा के एक दूसरे से लड़ लेते हैं लेकिन रात को हम उसी घर में एक ही चूल्हे की रोटी भी खाते हैं। एक मिनट मुझे इस पंक्ति को पूरा करने दें, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारी जाति दुश्मनी कोई नहीं है, न विधायक जी के साथ है न बल्लू प्रधान के साथ है। समय की बात है कि आज उन्हें हमारी कोई बात बुरी लग रही है, कल हमें उनकी कोई बात बुरी लग रही थी, लेकिन जहाँ तक हमारा जो सुप्रीम टारगेट है जो किसान आंदोलन जीतने की बात है और सरकार के खिलाफ है, तो हम हो सकता है कि कल फिर से किसी मंच के ऊपर एक साथ बैठे और एक सुर में सुर मिलाए दिखाई दें, तो इसके जो है अलग अलग मतलब जो है निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और मेरे साथी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि ये घर की लड़ाइयाँ जो है कभी एक घंटे चलती हैं, कभी दो दिन चलती हैं, और उसके बाद हम जो हमारा सुप्रीम लक्ष्य है उस पर चाहे हम अनिल का नाम लेते हैं, चाहे हम विधायक जी का नाम लेते हैं, चाहे एक्स वाई जेड किसी का भी नाम लेते हैं, और चाहे जो आपने सवाल नहीं पूछा कि आपस में किसान नेताओं के भी गुटबाजी दिख रही है, लेकिन वो सारे एक अंतिम लक्ष्य पे हम आपको एक ही जगह फिर से खड़े दिखेंगे। ये इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि कल से मीडिया फिर ना पूछे कि कल आप एक व्यक्ति की गलती निकाल रहे थे, आज आप उसी के साथ मंच पर खड़े हैं, कल एक व्यक्ति को आप बीजेपी का बता रहे थे उससे पूछे, आज आप उसके साथ खड़े हैं। तो ये सवाल किसी और से या मेरे से दोबारा इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि हम भाइयों की घर की लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई भी लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को सीटने, आप देसी भाषा समझते हैं ना, सीटने दिया कर रहे हैं। मैं वही बात आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ही घर के अंदर जब दो भाई होते हैं जी, और या सरकार जिसको जिस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहती है, ये बहुत ही गलत व्याख्या है। किसान जो है, कमेरा जो है, वो अपने दम पे सड़कों पे बैठा है, न वो किसी नेता के दम पे बैठा है,
ना किसी किसान अगुआ के दम पे बैठा है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसान अगुआ जो है वो किसान के दम पे बैठे हैं। लेकिन मैं आपकी छोटी सी बात को बीच में काटते हुए बताता हूँ कि जिस तरीके से जो है कई बातें सामने निकल के आ रही हैं कि भाई आपको, आपने यहाँ धरना दिया तो यहाँ की परमिशन चाहिए, आप किसी अपने से अपर लेवल के किसान से बात करें जो आज एक नेता के रूप में भी उभर कर आ रहा है। जी जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो टिगरी बॉर्डर है वहाँ पर भी किसी की परमिशन नहीं है, जहाँ पर लाखों किसान जो है अपना धरना दिए बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर भी काफी किसान है, सिंगू बॉर्डर है वहाँ पर भी काफी किसान है। जी, तो यहाँ पर एक लोकल माहौल के अंदर किस ऐसे आदमी की जरूरत है जो कि आप लोगों को ये धरना दिया है, वहाँ इजाजत की जरूरत पड़े? देखिए, मैं नहीं समझता कि कहीं भी हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये राइट है, हमें अधिकार प्राप्त है कि हमें किसी से बिना इजाजत लिए अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते। यहाँ भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई बार नेता जो है, मैंने वो शब्द फिर से, जो अति उत्साही या ओवर एम्बिशियस नेता होते हैं, उनको लगने लगता है कि ये गाड़ी जो है मेरे कारण चल रही है और मैं कहूँगा तो नए धरने लगेंगे, मैं कहूँ तो पुराने धरने उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे नेता वो चाहे किसानों के अंदर हैं या राजनीतिक नेता हैं, उनको ये भ्रम होने तो लगता है कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर लोग क्यों बैठ गए, या यहाँ कोई प्रधान जो है स्वयंभू प्रधान है उसको लगेगा कि मेरी परमिशन नहीं ली और मेरे एरिया के अंदर बैठ गए, लेकिन लोग तो बैठे हैं। किसी से परमिशन लेने की हमें कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती, और जब आप किसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उससे कभी परमिशन मिलते भी नहीं है। तो मुझे लगता है, और मैं किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप जितने चाहें प्रोटेस्ट साइट जो है बनाएं, लेकिन आपका ध्येय, आपका जो अंतिम लक्ष्य है वो एक रहना चाहिए कि हमारी लड़ाई देश बेचने वाली सरकार के खिलाफ है, किसान और कमेरे वर्ग के जो संसाधनों के ऊपर कब्जे थे उनको छीन के पूंजीपति के हाथ में देने वाली सरकार के खिलाफ लड़ाई है, पूंजीपति वर्ग के खिलाफ लड़ाई है। तो हमें आपस में इन छोटी मोटी चीज़ों पे, जिनको मैं कहता हूँ इंसानी जो संवेदनाएं हैं वो कभी बार डगमगा जाती हैं, तो इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए, अनदेखा करते हुए अपने प्रोटेस्ट को पीसफुली चलाना चाहिए। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।